नमस्कार साथियों। साथियों, आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन की बोनी के समय पे बीज उपचार का बहुत ही महत्व होता है, और बीज उपचार करते समय में हम सबसे पहले बीज उपचार करते हैं अनुशंसित फफूंद नाशकों से, और उसके साथ साथ हमने अनुशंसा की है कि राइजोबियम और पीएसबी कल्चर इन दोनों से भी करना चाहिए। लेकिन मैं इस विशेष वीडियो में आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा जो माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग है, उसमें जो हाल ही में अनुसंधान जो किए गए, उसमें उन्होंने कई सारे नई जीवाणुओं की खोज की है। और ये जो जीवाणु है जो जमीन में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, वो पौधे तक पहुंचाने में बहुत ही सहायता करते हैं। तो इस बारे में हम आज के वीडियो में विस्तृत रूप से जानेंगे हमारे संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महावीर शर्मा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपसे हम निवेदन करते कि हमारे दर्शकों को कृपया ये बताएं कि आपने जो नए जीवाणुओं की खोज की है उसके बारे में बताएं, और उसको किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। साथियों, ये जो प्रयोग देख रहे हैं सोयाबीन का, इस ये वैरायटी JS 2069 है। इसमें हमने ये जो कुछ जीवाणु हमने निकाले हैं, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमने क्या जो आमतौर पर आप लोग जो कल्चर यूज़ करते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन बढ़ाने वाले बैक्टीरिया जिसको हम राइजोबियम बोलते हैं, सोयाबीन के लिए खास है ब्रेडी राइजोबियम, ऐसे दूसरे दलहन फसलों के लिए अलग अलग होता है, तो इसके लिए ब्रेडी राइजोबियम है। तो हमने राइजोबियम के साथ साथ दूसरे जो तत्व को लिए, जैसे फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया वो, और उसके साथ जो जिंक सोलबलाइजिंग, ये जिंक का बड़ा महत्व है आजकल, क्योंकि जिंक हमारे लिए ही नहीं, पौधों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये एक बीमारियां भी इसमें कम लगती हैं, अगर जिंक अगर पौधे में अगर अधिक रहता है तो अच्छे से पौधा ग्रो कर पाता है। तो हमने इसमें हमारी प्रयोगशाला में हमने ये किया कि जो ब्रेडी राइजोबियम जापानिकम है, जो आमतौर पर कल्चर अवेलेबल है, उसके साथ हमने नए नोवल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया निकाला, जो जिसको हम बोल रहे हैं ब्रेडी राइजोबियम डेक्वेंजेंस। ये जो नोवल राइजोबिया है ये, और जिंक सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया जो बैसिलस आर्य भट्टाई और एक फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया, इन तीनों को हमने एक साथ समायोग किया है एक ही पैकेट में, ताकि हम लोग उसको बीज उपचार करें और उसमें सोयाबीन में तीनों तत्व आपका फॉस्फरस और जिंक और नाइट्रोजन की उसमें आवश्यकता के अनुसार इसके अंदर पौधे की वृद्धि हो सके। और नाइट्रोजन जैसे हम लोग अप्लाई सीड ट्रीटमेंट करते हैं, और सीड ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग इसमें देखते हैं, जब नोडुलेशन होता है, जब गांठ बनती हैं, तो उसके अंदर हम जब उसको प्रेस करते हैं तो चिपचिपा पिंक कलर का निकलता है, तो ये समझ लीजिए आपका इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा हो रहा है और पौधे की ग्रोथ अच्छी आगे होने वाली है। तो वो आमतौर पर जो जब ये आपके फूल आते हैं तब होता है, तब गांठ बनना शुरू होती है। तो इस ट्रायल में हम लोग ये बताना चाहते हैं कि सिंगल अकेला राइजोबियम, अकेला कोई भी कल्चर यूज करने के साथ साथ उसके साथ दूसरे ऐसा कल्चर यूज करें जिसके अंदर 3-4 तरह के माइक्रोब एक ही पैकेट में हो, और इसको अवेलेबल कराने के लिए हम लोग इसका प्रयासरत हैं, ताकि आप लोगों को आगे सीजन में मिल पाए। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया कि एक साथ ये तीनों पोषक तत्व अवेलेबल हो पाएंगे, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई को ये सब जो कंसोर्शिया जिसकी आप बात करें, वो कहाँ से उपलब्ध होगा, उसके बारे में जरा बताइए। ये कंसोर्शिया उपलब्ध कराने के लिए अभी हाल ही में हमें ICR, जो हमारा परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, हेडक्वार्टर से एक हमें एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर मिला है सोयाबीन इंस्टीट्यूट को। उस सेंटर के अंदर हम लोग जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डेवलप जो की है, उसका हम लोग इसमें प्रोडक्शन करेंगे माइक्रोब्स का, और हम चाह रहे हैं कि एक 25 ml का एक शैम्पू पाउच जो आता है, उस पाउच के अंदर इस तरह के ये माइक्रोब एक ही पैकेट पाउच में उपलब्ध हो पाएँ, और हम उसको जल्दी ही इसको कमर्शलाइज करेंगे, ताकि वो किसानों को मार्केट के द्वारा मिल पाएँ। ये हमारा इसमें आखिर वो है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छा एक ईजाद की है तरीका। अभी तक हम फफूंद नाशकों के साथ में जो करते थे उसको भी करना है, लेकिन उसके साथ में कंसोर्शिया, तीनों का एक साथ आप बीज उपचार के समय, बोने के समय पे कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करते हुए पुनः एक बार आपके पास में वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।